अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक कॉमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं। मुझे आए थे 2 कमेंट, उसमें का मैंने एक कमेंट को रिमूव कर दिया है। दूसरा कमेंट जो है मुझे आया था कि आप आसिफा बाजी के नाम से जो है व्यूज़ बटोर रही हो और आसिफा जी आपकी क्या बात है। तो सच में आपको पूछना चाहूँगी कि आसिफा जी आप क्या चीज़ हो। मतलब पहले तो आपने अपने ससुराल का एक अलग ही रूटीन हमें दिखाया। आप सास ससुर को लेके चलती थी, आपके व्लॉग्स में सास ससुर दोनों आते थे और हम आपकी अच्छी सी फैमिली को देख कर आपके व्लॉग्स एंजॉय करते थे और बहुत मज़े के आपके व्लॉग्स होते थे। तो ये बात जो सही है मैं वो सही कहूँगी, तो बहुत अच्छा हम एंजॉय करते थे। फिर आपने धीरे धीरे आपके सास ससुर की डेथ हो गई और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। फिर इसके बाद जो है आपका रंग ही बदल गया। मतलब आप साइना पी जो है आपकी बड़ी ननद है, मतलब आप बड़ी भाई और भाभी हैं आपके हस्बैंड, मतलब आप एक तरह से उनके माँ बाप के उद्दे में पहुंच गए। मतलब जो बड़ी भाई और भाभी होते हैं वो माँ बाप के बराबर होते हैं, तो आप उनको लेके चले। प्लीज़ हमारी एक रिक्वेस्ट है और मैं पूछना चाहूँगी कि आप एक कौन से ट्रैक पे चल रही हो। मतलब जब आपके सास ससुर थे तब एक अलग ही आपकी फैमिली को देखने में मज़ा आता था, लेकिन अभी जो आपके रील्स आ रहे और आप अपने ससुराल के घर को वीरान करके अपने मायके को जाकर बैठ गई हैं और जो आपके एटीट्यूड भरे हुए रील्स आ रहे हैं, इसका को क्या मकसद है? मतलब क्या आप करना चाहती हो सोशल मीडिया पर? आपने ये सारा कुछ कर रहे हो, सच में हमें यकीन नहीं आ रहा कि आप वही आसिफा हो जो हमें पहले अपने व्लॉग्स दिखाती थी इतने प्यारे प्यारे। तो आपके हर रील्स में से ना घमंडी भर भर के झलक रही है और आपको चाहिए आप सॉरी कर लें अपने बड़ी ननद से, क्योंकि बड़ी ननद भी एक माँ के दाखिल होती है। बड़ी ननद घर की बड़ी ननद है आपकी साइना आपी। तो आप अपने तीनों नंदों को लेके चले, मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ साइना आपी, आप अपने तीनों नंदों को लेकर चले। सॉरी कहने से कोई छोटा नहीं होता। जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला हम पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमने पहल की। तो आप पहल कीजिए, आप सॉरी कीजिए और अपने जो हर चीज़ है आपके रिश्तों के बीच जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको इग्नोर करके आगे रिश्ते में बढ़िए और सोशल मीडिया को एक अच्छा सा मैसेज दीजिए कि हम एक हो गए और हम यही सुनना चाहते हैं कि आप सब एक हो, क्योंकि आपकी एक हुई फैमिली जो पहले हमें दिखाते थे वही हमें पसंद है। और अभी के जो आपके रील से आप बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी फैला रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रही है। जिसके दिल में कुछ नहीं होता वो भी आपका रील्स देख के बहुत ज़्यादा समझ जाता है। तो किसी के लिए इस तरीके रील्स बनाना सही नहीं है। अगर आप मेरे आप जो भी मुझे देख रहे हो मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी हम यहाँ पर जो भी आपके साथ शेयर करते हैं बस ये हमारा एक ओपिनियन रहता है और हम तो दिल से ये चाहते हैं कि ये सब एक हो जाए और सारे जो गलतफहमियाँ हैं जो भी बीच के जो क्रैशेस हैं वो सही हो जाएं। लेकिन यहाँ पर थोड़े लोग आकर इस तरीके से कमेंट करते हैं कि वो मुसलमान ही नहीं है, एक मुसलमान लेडी होकर इनके आईडीज़ मुसलमान वाले होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा वाहियत कमेंट्स करते हैं। तो इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सबसे अलविदा, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़।